मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के ट्रैफिक विभाग के पास आज एक हादसा हो गया। डंपर का पीछे का पहिया एक ऑटो चालक के दानिश के पैर पर चढ़ गया। दानिश के पैर से काफ़ी खून निकल रहा था, मगर बता दें आपको कि मुमरा रेलवे स्टेशन की तरफ से दानिश कौसा की तरफ ऑटो रिक्शा लेकर आ रहा था। इसी दिशा में एक डंपर भी आ रहा था, मगर ट्रैफिक विभाग के ठीक सामने ही दानिश के एक दोस्त के ऑटो रिक्शे का पहिया निकल गया था, जिसकी मदद करने के लिए दानिश ने अपनी ऑटो रिक्शा साइड में लगाई और उसके ऑटो को ढकेलते हुए रोड से किनारे की तरफ लेकर जा रहा था। तभी बगल से ही गुजर रहे डंपर के पीछे वाले पहिए के नीचे दानिश का पैर आ गया। हालांकि डंपर चालक को पुलिस अपने साथ लेकर गई और दानिश को इलाज के लिए कलवा शिवाजी अस्पताल भेजा गया है। बहरहाल दानिश के पैर से खून तो निकल रहा था, मगर रिपोर्ट में ही पता चलेगा कि हड्डी फ्रैक्चर हुई है या नहीं। दूसरे की रिक्शा का टायर एक्सल पूरा टूट के बाहर आ गया था, तो उसको टो दे के हम लोग तीन चार जन ऐसा हाथ लगा के टो दे रहे थे और आगे सरका रहे थे, तो पीछे से ट्रक वाले ने आके भाई मेरे राइट वाले पैर पे चढ़ा दिया। बैक साइड का टायर, पीछे का पैर, हाँ भाई बैक साइड का टायर, पीछे का टायर ट्रक वाले का। अभी एनसी दिया आपने? हाँ भाई अभी एनसी दिया, लोग ने दवाखाना जाने बोले। दवाखाने के लिए? हाँ भाई अभी दवाखाना मेरे को जाने बोले, एनसी दिए ड्राइवर को अंदर रखे भाई। मैं बोल रहा मेरे साथ में भेजो कि मैं कैसे ट्रीटमेंट करा, मैं वही सोच रहा हूँ, कंफ्यूज हो गया हूँ पूरा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।